हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये पार्ट टू है। कल मैंने दिखाया था आपको बालाजी के दर्शन, प्रॉपर बालाजी मंदिर का। आज हम जिस अंजनी भवन में रुके हैं उसके अंदर भी एक मंदिर है, हम वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वहां का भी दिखा रही हूँ। हम बाहर चल के वहां आपको प्रॉपर अंजनी माता बालाजी माता का मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय बालाजी। फाइनली हम पहुंच गए हैं अंजनी माता मंदिर। अंदर एक्चुअली कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम अंदर की फ़ोटो दिखा नहीं पाए। माता का मंदिर है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर केसरी जी की भी फ़ोटो है जो इसके बराबर में है। ये रे केसरी नंदन बोला जाता है हनुमान जी को, केसरी जी हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए कैलाश पर्वत जाने का रास्ता बनाया है। बोले बाबा की जय हो। कैलाश पर्वत बनाया है, शिव जी का है ऊपर कैलाश पर्वत। ऊपर जाके व्यू दिखाते हैं आपको। देखिए पूरे रास्ते में बंदर मंकीपुर वानर सेना बनाई हुई है। और बर्फ़ का वाइट कलर में बनाया हुआ है, बर्फ़ सा शो हो रहा है। ऐसे रास्ते से पूरा जाना पड़ता है ऊपर। अच्छा बनाया है पूरा। और जब भी आप बालाजी आए तो अंजनी माता मंदिर जरूर आइए। आराम से, अंजनी माता ही हनुमान जी की बालाजी की माता है, तो ये दर्शन जरूर कीजिएगा। थोड़ी पहले ही है, बालाजी से पहले ही है। हम अंजनी भवन में रुके हैं तो इसलिए हमारा तो अब अंजनी भवन के सामने ही है। तो हम तो इवनिंग में आए थे देखने के लिए, और आप भी जरूर आइएगा, काफ़ी अच्छा है। देखिए दर्शन कैमरा के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने शूटिंग कर ली। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा है, तो देखिए जरूर। थैंक यू। श्रवण कुमार जी इस साल तो बहुत बड़े बने थे श्रवण कुमार। कहाँ हकीकत में बने थे? सावन के महीने में बहुत लोग उठा के लाए थे। बहुत अपने मम्मी पापा को इतने छाले पड़ रहे थे उनके। अच्छा लोग बने थे। वो देखो देखो हनुमान जी के सेनानी में। हाँ, ये तो रात भर घूम रहे हैं, इन्हीं का तो घर है। आओ आओ आओ, ओ भागा भागा भागा। चलो ये देखिए दोस्तों, हमने पहुँच के एक बार दर्शन तो कर लिए थे बजे के करीब, लेकिन इवनिंग की आरती जो थी वो मेन आरती होती है। अब पहले तो यहाँ पर साउंड का था, अब साउंड में उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। और जिस जिसके शरीर में गंदी आत्माएँ होती हैं वो इसी टाइम पर ज़्यादा निकलती हैं, वो सारी महेश्वर आरती सुन के बाहर उछल कूद मारती है। अभी देखना थोड़ी देर में, अभी 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 तो हम आरती में खड़े हैं। अभी शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बाद में बहुत ही ज़्यादा रश। एक तो मैंने कहा है कि यहाँ पर साउंड नहीं आती, आरती सुनाई नहीं देती। पहले कोरोना से पहले यहाँ पर छींटे दिए जाते थे हनुमान जी के गंगा जल के, जो उनका पवित्र जल होता था, लेकिन अब छींटे भी नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये देखो शरीर में गंदी आत्मा सारे बाहर निकल के आते हैं। सीन तो इतना भयानक है, आगे दिखाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भाई, जिसके भी शरीर में भूत होता है या जिसे भी किसी गंदी आत्मा में जकड़ा होता है, वो जरूर एक बार यहाँ आए और अपना भूत भगा के जाए। भाई जय श्री राम, जय बालाजी।